टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी भिड़ंत मेलबर्न में आज होगी। भारत और पाकिस्तान की टीमें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोपहर 1:30 बजे खेलने उतरेंगी। पहले मैच पर बारिश का संकट मंडरा रहा था, लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश के आसार कम हैं। इस ब्लॉकबस्टर मैच में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी, वहीं बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे। मेलबर्न में बड़ी संख्या में दोनों देश के समर्थक मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। पूरा माहौल क्रिकेट के रंग में रंग चुका है। मेलबर्न की पिच बल्ले और गेंद दोनों के अनुकूल होने के लिए जानी जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कुल 21 द्वार बनाए गए हैं। इन सभी द्वारों में प्रभु श्री राम से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग भी बनाई गई है। पीएम मोदी सरयू के कुल 36 घाटों में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सरयू के घाटों पर करीब 18 लाख दिए जलाए जाएंगे। सबसे पहले पीएम मोदी रामलला का दर्शन करेंगे, उसके बाद प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे, फिर सरयू नदी के नए घाट पर आरती में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अयोध्या में ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी के लिए भी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का विदेशी योगदान अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले इस फाउंडेशन को अब विदेश से कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। साथ ही अब तक जो पैसा आया है उसके स्रोत की भी जाँच होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी फाउंडेशन पर पहली बार 2020 में आरोप लगे थे। कानूनों को दरकिनार करते हुए फंडिंग की गई, कई सवाल भी उठे तो गृह मंत्रालय ने जांच शुरू की। चीन की राजनीति में शी जिनपिंग एक और बार मजबूत होकर उभरे हैं। जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना गया है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया। 7 दिनों तक चली नेशनल कांग्रेस के 20वें सत्र का कल आखिरी दिन था। इस बैठक के दौरान चीन में काफी ड्रामा भी हुआ। हालांकि इन सब के बीच बैठक का समापन हो गया है। अब चीन में एक बार फिर शी जिनपिंग युग का तीसरा दौर शुरू होगा। भारत ने अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया है। LV-M3-M2 से एक साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। रात 12:07 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग के वक्त धवन स्पेस सेंटर में आधी रात को इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। पहली बार भारत का सबसे भारी रॉकेट कमर्शियल मिशन के लिए उड़ान भरने वाला था। इसके सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित होने से इसरो ने कमर्शियल स्पेस सेक्टर में एक नया अध्याय लिख दिया है। इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बीती रात बस और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हैं। बस गोरखपुर से अजमेर जा रही थी। बताया जा रहा है कि टायर फटने से तेज रफ्तार डंपर काबू से बाहर हो गया और स्लीपर बस में जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी मिलते ही DM, SSP समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को सैफई के PGI अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेवाड़ा में जिमखाना मैदान में पटाखों की दुकानें सजी हुई हैं। इसी बीच शहर के एक पटाखा दुकान में अचानक ही आग लग गई। पटाखे की दुकान में भीषण आग से कोहराम मच गया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें और धुआं ही धुआं दिखा। आसपास के लोगों ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये
पटना के दीघा इलाके में जेपी सेतु के पास पिलर से नाव के टकरा जाने के कारण बड़ा हादसा हो गया। नाव पर बालू लदा हुआ था। पिलर से टकरा जाने की वजह से नाव गंगा नदी में डूब गई। नाव पर 20 लोग सवार थे। दीघा घाट पर मौजूद लोग अपना स्टीमर लेकर पहुंचे और लाइफ जैकेट देकर दो लोगों को बचाया। इस हादसे में कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। मौके पर पुलिस और SDRF की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। राजस्थान के बारा में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। आरोप है कि देवी दुर्गा की आरती करने को लेकर कुछ दबंगों ने दो दलित युवकों से मारपीट की थी। दलित समाज ने इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इससे आहत होकर 250 दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। साथ ही अपने घरों से देवी देवताओं की प्रतिमा और फोटो बैथली नदी में विसर्जित कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जिन आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले उन पर कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली में तमाम प्रयासों के बावजूद यहां की आबोहवा खराब बनी हुई है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले राजधानी में वायु प्रदूषण के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। सुबह सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही। राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन है, इसके बावजूद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज दिल्ली का AQI 266 दर्ज किया गया। वहीं दिवाली से पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि 24 अक्टूबर तक दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी के सबसे निचले स्तर पर पहुँच सकती है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।